जय श्री काल भैरव। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत ही उपयोगी साधना मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। हालांकि मैं साधना देने के पक्ष में रहता नहीं हूँ, लेकिन इस समय ऐसी व्यवस्था है कि लोगों के पास धन की कमी है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे लोग कार्य करते हैं उनके अंडर में, जिनकी जॉब और जिनकी सैलरी उनके ऊपर निर्धारित है। लेकिन यह साधना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास सीआर सिंगी होगा। ये साधना बहुत बलवती है और आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अद्भुत साधना है। ये कुछ मैंने अपने शिष्यों को पूर्व में कराई हुई है, जिसके आकस्मिक लाभ उनको मिले हैं जिन्होंने इसको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया है, समर्पण से किया है, जो गुरु की वाणी पे अकट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। 1% भी अगर मन में खलल है या कुछ अविश्वास की भावना है, होगा कि नहीं होगा, इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साधना को करने के समय विश्वास जाग जाए। देने वाले गुरु पर अगर श्रद्धा है, इसके जज हम स्वयं होते हैं। अगर अनंत गुना श्रद्धा और विश्वास है, तो ये स्वर्णवती साधना उन सभी को आकस्मिक धन लाभ अवश्य प्रदान करती है। सीआर सिंगी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपके पास है तो जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, इसको आप किसी भी बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं। बुधवार को रात्रि में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। जो भी अपने गुरु द्वारा विधान दिया हुआ है, उस विधान को करें। 9 बजे के बाद बुधवार उत्तर दिशा के मुख करके बैठ जाएं। पीले रंग का आसन, पीली धोती और पीला ही वस्त्र पहन के इसमें बैठना है। सामने अपने पूजन स्थान पर लक्ष्मी जी का एक चित्र अवश्य रखें। अपने गुरु द्वारा दी हुई सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित सीआर सिंगी रखें किसी वस्त्र के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर। सीआर सिंगी का ही इसमें बहुत रोल है। मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूं जिनके पास नहीं है, जिनको मैं निराश कर रहा हूं उनके माध्यम से, किंतु इस समय ये प्रयोग बहुत ज़्यादा फलदायक होगा। सीआर सिंगी को किसी भी पात्र या किसी भी वस्त्र के ऊपर रखकर एक शक्ति का स्वरूप समझ के उस पर केसर का तिलक लगाएं। उसके समक्ष अगरबत्ती या धूप बत्ती, दीपक इत्यादि जलाएं। दीपक तेल का ही जलाएं, सरसों के तेल का। अपना विधान जो गुरु के द्वारा दिया है वो करने के बाद स्फटिक की माला से इस मंत्र को जो मैं बता रहा हूँ 21 माला आपको जप करनी है। मेरे बताए हुए कुछ साधकों को जिन्होंने इन साधना को करा हुआ है, उसके अद्वितीय लाभ उनको मिले हैं। इसमें जो अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं उसको ग्रहण करना होता है। ये लगता है कि बेकार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके पीछे उनको आकस्मिक धन लाभ के बहुत सारे स्रोत खुल जाते हैं। स्फटिक की माला से 21 माला इसको जप करनी है। मंत्र ये आपके सामने इस समय स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ। जब मंत्र पूरा हो जाए
तो स्फटिक की माला सियार सिंगी को पहना दें। दूसरी रात्रि भी इसी प्रकार से जप करना है। इसको कम से कम 7 रात्रि बुधवार से शुरू करके आप करेंगे। उसके पश्चात जब ये आपका जप पूर्ण हो जाएगा 7 दिन पश्चात, तो 7वें दिन आप उस सियार सिंगी को किसी पृथक डब्बी में, और सबसे उपयोगी जो इसका जो डब्बी होता है वो चांदी की अगर डब्बी हो तो बहुत अच्छा हो, उसमें आप लौंग, इलायची, थोड़ा सा कपूर, कुछ सिक्के अगर आप उसमें रख देते हैं तो ये सियार सिंगी उनके माध्यम से अपना भोग ग्रहण करती है और स्वतः अचानक से आपके समक्ष कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको धन लाभ आकस्मिक, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उस प्रकार से आपके समक्ष धन के लाभ होने शुरू हो जाते हैं। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो, या कोई अगर आपको इसमें प्रश्न पूछना हो तो दिए हुए नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जिनके पास सियार सिंगी नहीं है उनके लिए मैं एक आकस्मिक लाभ वाला एक दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अलग प्रकार से एक साधना है जिसको आप अगर करते हैं शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में, तो उसके लाभ मिलते हैं। किंतु किसी भी साधना में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ जड़ी बूटी हो गई, किसी पेड़ की टहनी हो गई, किसी प्रकार का कुछ ऐसा यंत्र हो गया, इन सब का सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये तंत्र क्षेत्र है, इसमें हर प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता है। इसमें यंत्र भी प्रयोग होते हैं, इसमें मंत्र भी प्रयोग होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ, पेड़ की टहनियाँ, बांदे, इस सब प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता है। आप अपने गुरु से आज्ञा लेके इस साधना को पूर्ण करें और जो भी इसका लाभ हो उसका कुछ प्रतिशत संतों की सेवा में, गुरु कार्य में अवश्य लगाएं। मैं भगवान भैरव से आप सभी के जीवन में समृद्धि आए उसकी कामना करता हूं। भगवान भैरव आप सभी को सुख, समृद्धि, आनंद, मुक्ति प्रदान करें। जय श्री काल भैरव। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, रोमांचक लगा हो, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको साझा करें। जय श्री काल भैरव। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, श्री भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप अपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।